हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाए, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों कि यहाँ पर आपको अब जॉब ऑफर की जरूरत नहीं है और साथ ही में आपको पीआर भी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि स्क्वाशवन की तरफ से एक बहुत अच्छा अपडेट आया है। उन्होंने एक इमिग्रेशन प्रोग्राम निकाला है जो कि पीएनपी भी कहा जाता है और एसआईएनपी भी उसको कहा जाता है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो ये प्रोग्राम दो कैटेगरीज के अंदर बटा हुआ है, एक तो है एक्सप्रेस एंट्री और सेकेंड है इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर ऑक्यूपेशन इन डिमांड। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको वीजा मिल पाए, और सबसे बड़ी बात है कि आपको वर्क वीजा की या वर्क परमिट की जरूरत नहीं है और साथ ही में आपको जॉब ऑफर की भी जरूरत नहीं है और यहाँ पे आपको परमानेंट रेजिडेंसी भी दी जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पे सीन ऐसा है कि ये प्रोग्राम पहले से लॉन्च हो चुका था, बट इसके अंदर उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 19 ऑक्यूपेशन थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं कर सकते थे। वैसे भी 19 शोबों के अंदर से भी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, बट अब यहाँ पे 200 ऑक्यूपेशन ऐड कर दिए, मतलब 200 शोबे ऐड कर दिए हैं, जिससे बहुत ज्यादा टारगेट बढ़ गया है कि अब आप यहाँ पे बिल्कुल आसानी अप्लाई कर पाओ और इससे आपको परमानेंट रेजिडेंसी भी दी जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर सीन ऐसा हुआ है कि ये 200 ऑक्यूपेशन की लिस्ट जो है वो मेंशन कर दी है कनाडा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आपको उसमें अपना ऑक्यूपेशन चेक करना है। अब जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि जब भी कोई कंट्री इस तरीके की चीज निकालती है तो वो एक लिस्ट निकालती है जिसके अंदर नाम लिखे हुए होते हैं कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन एलिजिबल हैं। बट यहाँ पे कनाडा ने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, कनाडा ने इसको उल्टा कर दिया है। यहाँ पे आपको नॉट एलिजिबल की लिस्ट मिल चुकी है, ठीक है। ये लिस्ट जो है आप देख सकते हो, अगर इसके अंदर आपका ऑक्यूपेशन ऐड है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इसके अंदर आपका ऑक्यूपेशन नहीं है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये नॉन एलिजिबल लिस्ट है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं इसकी वेबसाइट की तरफ और यहाँ मैं आपको एक एक करके रिक्वायरमेंट भी बताता रहता हूँ कि आपने इसमें किस तरीके से अप्लाई करना है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है वीजा मिलने के। अब यहाँ पे हम सबसे पहली जो डिमांड देख लेते हैं दोस्तों, वो है आइल्स की। दोस्तों यहाँ पे आपको आइल्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कोई ज्यादा बैंड का आइल्स नहीं चाहिए, आपको CLB 4 चाहिए, जिसका मतलब है कि बैंड 4 भी अगर आपका है, बैंड 4.0 भी अगर आपका है, तो आप बिल्कुल आसानी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आपका ज्यादा है तो और अच्छी मतलब चांसेस हैं कि आपको इसका वीजा बिल्कुल आसानी मिल पाए। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, और अगर आपको अपने पॉइंट्स चेक करने हैं कि आपको पॉइंट्स कितने मिले हैं और कितने एलिजिबल हैं आप इसके लिए, तो आपको इसके अंदर जाना होगा और यहाँ पे पॉइंट बेस्ड सिस्टम काम करेगा। अब ये एक्सप्रेस एंट्री की तरह कोई प्रोफाइल वोफाइल नहीं बनानी है आपने इसमें, मतलब एक्सप्रेस एंट्री की आपने प्रोफाइल वगैरह क्रिएट नहीं करनी, इसका एक अलग सिस्टम है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे आपको किस बेस पर पॉइंट दिए जाएंगे, सबसे पहले तो एजुकेशन है, उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस है, उसके बाद आपकी एज है। ये तीन चीजों के ऊपर जो है वो आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, और साथ ही में जाहिर सी बात है अगर आपने आइल्स किया हुआ है तो आपकी लैंग्वेज के हिसाब से आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपने बैंड 4.0 किया है तो आपको 12 पॉइंट तो ऐसे ही मिल जाएंगे, साथ ही में अगर आपकी एज 22 से 34 साल की है तो 12 पॉइंट ऐसे ही मिल जाएंगे। दोस्तों 60 पॉइंट्स आप बिल्कुल आसानी यहां से गेन कर सकते हो और आपको ये वीजा भी बिल्कुल आसानी मिल सकता है। अब आपने अप्लाई किस तरीके से करना है तो वो भी देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम फंड देख लेते हैं। आपको यहाँ पे फंड शो करना होगा दोस्तों, और फंड यहाँ पे दे दिया गया है, ये कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि 1% को कितना फंड चाहिए, अगर 2% से तो कितना फंड चाहिए, 3% है, मतलब ये फैमिली के लिहाज से बात हो रही है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं या आपके मॉम डैड हैं, तो जितने भी लोग फैमिली के अंदर हैं उसके हिसाब से यहाँ पे फंड मौजूद कर दिया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है इसमें। अब आपने यहाँ पे जाना है इस लिंक के ऊपर और यहाँ पर आपने क्रिएट अकाउंट करना है। दोस्तों क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपने यहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, मतलब अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह के सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर इसके अंदर आपको फिर भी समझ नहीं आएगा तो मैं एक और डिटेलिंग वीडियो भी बना दूंगा इसके ऊपर, बट आप पहले ये चीज समझ लो। आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, और सबमिट करवाने के बाद आपसे यहाँ पे फीस मांगी जाएगी जो कि नॉट रिफंडेबल होगी दोस्तों, बट इसमें चांसेस बहुत ज्यादा है आप रिस्क ले सकते हो। इसके अंदर आपको $350 फीस भरनी होगी, और फिर क्या होगा कि जैसे आप डॉक्यूमेंट जमा करा दोगे और फीस वगैरह पे कर दोगे तो वो खुद आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे अगर आपके 60 पॉइंट्स हो जाते हैं तो।
तो आपको इसीलिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे सबमिट करना है। अगर आप ये सब कर लेते हो तो यहाँ पर आपने अपनी डिग्रियाँ जो है वो यहाँ से वेरीफाई करवानी होगी। जैसे कि आपको पता होगा कि कनाडा के लिए अपनी डिग्रियाँ जो है वो वेरीफाई करवानी पड़ती है, तो वो आपने यहाँ पे करवानी होगी। और साथ ही में अगर अपना ऑक्यूपेशन आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी कि आपका ऑक्यूपेशन जो है वो जीरो कैटेगरी के अंदर और ए और बी कैटेगरी के अंदर मौजूद होना चाहिए। अब यहाँ से आप कैसे देख सकते हो, तो यहाँ पर आके आप अपना टाइटल डालो जॉब का, जो भी आप हो, प्लम्बर हो या इंजीनियर हो या कुछ भी, तो यहाँ पर आपको लेवल दिख जाएगा कि आपकी जॉब का कौन सा लेवल है और उसी हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। जो नॉन एलिजिबल लोग हैं उनकी लिस्ट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये बहुत कमाल का इन्होंने जो है वो अपडेट दे दिया है, जिससे आप बिल्कुल आसानी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अगर उसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप बिल्कुल मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका उसको बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर प्लीज़ हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।